22 अगस्त 2017 भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 15 अगस्त 2017 पूरे देश ने आज़ादी की 70वीं सालगिरह मनाई और इसके ठीक 7 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को उस कुप्रथा से आज़ादी दिला दी जिसे इस्लाम के नाम पर उनके ऊपर थोपा जा रहा था। इस्लाम के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग एक साथ तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 से अपना फैसला सुनाया। इस संविधान पीठ की सबसे खास बात ये रही कि इसमें 5 अलग अलग मजहबों के 5 जज थे। इस मामले की सुनवाई 11 से 18 मई तक रोजाना हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 22 अगस्त को फैसला सुनाने का दिन मुकर्रर किया था। इस रिपोर्ट में हम आपको इन 5 जजों की पृष्ठभूमि के बारे में बता रहे हैं। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। जस्टिस खेहर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और इसी 27 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस कुरियन जोसेफ। जस्टिस कुरियन जोसेफ केरल से ताल्लुक रखते हैं। 1979 में केरल हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 2000 में केरल हाई कोर्ट के जज बने। 2010-13 के दौरान हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे। 8 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 29 नवंबर 2018 को रिटायर होंगे। रोहिंगटन फली नरीमन। नेचर लवर जस्टिस फली नरीमन का जन्म 1956 में हुआ। 37 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल बने। उस वक्त इस पद के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा, लेकिन जस्टिस विकेट चलैया ने फरीमन के लिए नियमों में संशोधन किया। जस्टिस उदय उमेश ललित। 1957 में जन्मे जस्टिस यूयू ललित ने 1983 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। अप्रैल 2004 में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2022 में रिटायर होंगे। जस्टिस एस अब्दुल नजीर। 1958 में जन्मे जस्टिस अब्दुल नजीर ने 1983 में कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 2003 में कर्नाटक हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने और 2004 में स्थायी जज बने। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।